नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं कृषि दर्पण ब्लॉग। और मैं हूँ जमुई जिला के बरहट प्रखंड के अंदर। एक काफ़ी कुकुरझप डैम है, काफ़ी बड़ा डैम है। और हमारे साथ जो एक भाई हैं, इन्होंने ही मुझे यहाँ पे बुलाया। काफ़ी अच्छा भी लगा ये चीज़ देख करके। और इनका नाम मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा भैया। जी, मेरा नाम तो अवनीश चंद्र राव। अच्छा, अवनीश चंद्र राव। और इन्होंने यहाँ पे लाया और मैं कहता हूँ, इसी संदर्भ में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और ये दिखाने का एक प्रयास करता हूँ। एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि कैसे ये प्रकृति का दंश झेल रहा है। ये एरिया काफ़ी पिछड़ा एरिया है और इसी से इधर की सिंचाई होती है, लाइफलाइन माना जाता है। तो इस वाले चैनल पर नए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो मैं कृषि संबंधित या घूमने संबंधित ट्रैवलिंग ब्लॉग संबंधित वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो काफ़ी अच्छा जगह है, ज़रूर आए यहाँ पे। इससे होगा क्या कि लोगों के रोज़गार उत्पन्न होगा। यदि आप किसी भी स्थल पर जाते हैं तो वहाँ रोज़गार उत्पन्न होता है। तो आप आज ज़रूर आए। ये आपको जमुई स्टेशन से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं बक्सर ज़िले से आया हूँ। सुबह 5 बजे पूर्वा एक्सप्रेस पकड़ के यहाँ पे 10 बजे तक मैं आ चुका था और यहाँ पे आया, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप वीडियो को देखें, एंजॉय करें और काफ़ी सारा प्यार दें। अच्छा, पहाड़ों से मतलब जो पानी आता है उसको स्टॉप करने के लिए इतना भयंकर सुखा की चपेट में है ना। अच्छा, यहाँ पे मतलब बारिश, गर्मी के दिन की तरह सूखा, उसका अंदर का टापू दिख रहा था, पेड़ उसका अंदर ढका हुआ रहता था, वो दिख रहा है। मतलब वहाँ से पानी गिरता है ना। 2015 पानी गिरा था। जी, बढ़िया है। इधर से आपको पहाड़ है, पहाड़ के बाद मुंगेर जिला है। अच्छा, उधर मुंगेर जिला हो जाए। जमुई जिला का कुकुरझप डैम है और हम लोग जहाँ खैरा जाएंगे तो ये उत्तर दिशा में है और जम्मू के उत्तर दिशा का अंतिम बॉर्डर यही है। अच्छा, और दक्षिण दिशा का अंतिम बॉर्डर वही गढ़ी डैम है। अच्छा, तो वहाँ भी हम लेकर ये पहाड़ का हाइट कितना होगा? चढ़ाई की है कभी? हाँ, एक फल होता है ठंड के दिनों में। सुबह 4 बजे उठ के जाना और वही 9-10 बजे सुबह तक। मतलब कि कुदरत का दंश झेल रहा है ना ये। कुदरत का दंश झेल रहा है, सूखा हुआ है। बहुत रमणीक है, जब यहाँ बारिश, काफी शानदार है। बरहट डैम लकड़ियाँ देखिए दिख रही है, ये दुर्भाग्य हम लोगों का। सिंचाई भी नहीं हो पा रही है, अच्छा। 1989 में बना था बिहार सरकार, बिहार सरकार बनवाया था। पहले तो कच्चा रूप से था। अच्छा अच्छा, लेकिन मतलब बाद में इसको पूरा अच्छा रूप दे दिया गया, मतलब पक्का बना ये 1989। जी जी, 2012 से 2 साल पहले ये डैम ही बहने वाला था। पहाड़ में पूरा एरिया खाली होकर सब चला गया था, गायों को खोल दिया गया था। अच्छा, तो कहानियाँ सुनते हैं, बाबा से सुनते हैं, पापा से सुना करते हैं। जी जी जी, फिलहाल मानिए एरिया पिछड़ा होने का वजह यही है कि सड़क यहाँ पे अंतिम हो गई है। नक्सलवाद का दंश भी हमारे प्रखंड झेल रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को या 1 जनवरी को या कोई भी वैसा कि ठंडे के दिन में यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बना हुआ, पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। हम लोग ऊंचाई पर हैं अभी, सबसे ऊंचा पर। जी जी, सामने गांव वगैरह। मतलब बिहार में है रमणीक स्थल, सब उसको विकसित करने का जरूरत है। बहुत सारा है, मतलब वही चीज पूछ रहे हैं। पूछ लिए, पहले पूछना जरूरी है। और यहाँ से मतलब पानी बाहर निकलता है, जब भी फूल हो जाएगा तो धीरे धीरे पानी, मतलब कुआं से निकलता है। अच्छा, ये कुआं से? अच्छा, पंपिंग स्टेशन। और ये यहाँ से पानी निकलता है? निकलता था। हम लोग जब पिकनिक को ले आइएगा ना तो भरा हुआ रहेगा आपका एकदम, मतलब भर ठंडी ये भरा हुआ रहता है। अच्छा, और यहाँ पे मछलियाँ, मतलब मछली पकड़ी जाती है। तो ये पानी क्या मतलब ऐसे ही बह के निकल जाता? नहीं, है? नहीं, नाला है वो, इस तरफ एक नाला गया, एक इधर भी नाला, एक इधर भी नाला गया। जी हाँ, एक इधर भी नाला। पूरा बरहट प्रखंड की सिंचाई इसी से होती है। अच्छा, तो इस बार तो मतलब कुदरत का करी से दंश ही झेल रहा है ये तो अभी।
अच्छा ये नाला है, ये दो नाले हैं। हाँ, एक ये की ये नाला हो गया। वो 30-40 फीट अंदर गहरा होगा। अच्छा अच्छा, कि वो पानी बिल्कुल एकदम गहराई से वहाँ जाता है, और इधर से जब ओवरफ्लो होता था ना, ये भी पानी उसी में जाके गिरता है। अच्छा, ये नाला उस तरफ से साइड साइड। तो जम्मू स्टेशन से कितनी दूरी होगी? जम्मू स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है। ये उत्तर दिशा की ओर है, भरत प्रखंड में है, और चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ। पहाड़ों के मतलब पानी इसमें जमा होता है। पहाड़ों का पानी, वो अंदर में नदियां भी हैं, छोटी 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 नदियां भी, सहायक नदी कुकुरझप नाम है इस डैम का। अच्छा, कुकुरझप डैम नाम है। जम्मू जिले में तो और भी हैं, महावीर मंदिर है। चलिए, अच्छा लगा ये चीज़, हमारे दर्शकों को भी काफ़ी मतलब भाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अगर ये डैम नहीं होता तो हमारे तरफ सिंचाई मुश्किल, मतलब सिंचाई खेती बाड़ी मुश्किल थी। एक लाइफ लाइन है ये, मान के चलेंगे तो इधर का, इधर लगभग हमको तक बरहट प्रखंड के लिए लाइफ लाइन, बरहट प्रखंड के लिए पूरा मतलब लाइफ लाइन है ना ये। और आगे फिर जाकर जो पानी होता है वो तो नदी में मिल जाता है, क्यूल नदी में। क्यूल नदी में जो कि आपका जब क्यूल स्टेशन जिसपे जी 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 नदी वहीं उधर ही जाती है।